हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है, मैं हूं शयान। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक न्यू रिएक्शन वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जिस चीज़ पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है एक मूवी का ट्रेलर जो कि बिलोंग करता है पंजाबी मूवी है और इसका नाम है सिकंदर 2। तो दोस्तों मैंने पहली दफ़ा ये नाम सुना, सिकंदर 1 मैंने देखी नहीं, सिकंदर 2 है। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए दोस्तों सीधा चलते हैं इस मूवी के ट्रेलर के ऊपर और देखते हैं कि कैसा बना है ये, कैसी ये मूवी होगी और क्या क्या होगा इसमें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें फीचर कर रहे हैं गुरी जो पंजाबी मूवीज़ के यानी कि पंजाबी सॉन्ग्स के फेमस सिंगर हैं, वो फीचर कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। पिस्टल चो निकली .22 की गोली भी बंदे की जान ले सकती है, पर मैं 9mm का फायर वजन से भी बच गया। समझ नहीं आता कि मेरा बचना चंगी गल सी या नहीं। ओ जिहड़े बाहर लड़दे सी ये कौन सी? ओ नलायक है बंदा, मैनू तू ही चकमा ही लगता, दूरी रही है ना तू। ओ यही मसीकी करता पिंडो चंडीगढ़ आया। बहुत वड्डी गलती कर ली तू बिना पुछे बैठ के, चल खड़ा हो नहीं तो कन लाल कर दूं। ओ प्यार नाल कहिंदा उठ भी जांदा, धमकी तां चल देन अज कबरां च उठ के देन, ओहदे तों नहीं दबदा जट। आ जिहड़े तू लच्छण फड़े ना बदमाशियां वाले, छड्ड दे नहीं तां इत्थे ही बह के रोएंगा। ओए होए होए मेरी लेडी सिंगर, कोई ना इस बार देखदा लखना च कीदी लाल हुंदी आ। ओ जिन्ना दी हर वारी लाल हुंदी आ, ओ बेंचियां मेरे तों लै जाओ, वोटां च कम आउणगीआं। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਤੀ ਚੱਕ ਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਲਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਐਮਐਸਯੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦਬ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ? ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਬੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮਿਸ ਪ੍ਰੀਤਨਾ ਸਿਨੇਮੇ ਚ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਟਾਰ ਕੰਬੈਨਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਿਠਾ ਦੇਣ, ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਜੋ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਭੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ? ਹਾਂ ਬੇਬੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਬੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ, ਸੁਣਿਆ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਸਾਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਵੇਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਬਸ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲੜਨੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤਨੇ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਫੜਨੇ ਸੌਖੇ ਆ ਨਾ, ਓਨੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣੇ ਔਖੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਬਾਲਾਂਗਾ। ਭੁੱਖਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚਿਰਾ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੂਫਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਹੌਲੋ ਦੀ ਆ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਦੂ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने ट्रेलर को देखा, ट्रेलर थोड़ा सा ज़रा अमेजिंग सा, ज़रा डिफरेंट सा, ज़रा लुक आउट क्लास लग रही थी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ही नज़र आया गुरी, उसके बाद तो गुरी नज़र नहीं आया, शायद कहीं गायब हो गया या क्या सीन है, वो तो मूवी देख के पता चलेगा कि मूवी कैसी होगी। तो मुझे तो अच्छा लगा, थोड़ा सा ज़रा पंजाबी से थोड़ा सा डिफरेंट है। पंजाबी मोस्टली जो मूवीज़ आती हैं वो ज़्यादातर इस तरीके से होती हैं, कॉमेडी से रिलेटेड होती हैं, जैसे वो जो कॉमेडियन स्टार्स होते हैं हमारे उसमें ज़्यादातर कॉमेडी भरी होती है, इसमें ज़्यादा एक्शन और थ्रिलर है। तो वैसे भी गुरी है इसमें, तो देखेंगे ज़रूर, सॉन्ग भी इनके सुनेंगे कैसे है। एक सॉन्ग पे तो हम लोगों ने रिएक्ट भी किया जिसका नाम है बंदूक, जो कि गाया है जस मानक ने। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। और आज के दोस्तों बस इतना ही, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आई हो तो, ना भी आई हो तब भी कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नए हैं वो तो लाजमी कर लें, जिन्होंने नहीं किया अभी तक वो तो प्लीज़ कर लेना यार, कर लो प्लीज़, थोड़े से सब्सक्राइबर है, ज़रा थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।